आसान दोस्तों, एक मेंबर का क्वेश्चन है अबाउट के किसी खिलाफ FIR कट जाती है और वो ट्रायल कोर्ट या FIR में बेल ले या ट्रायल को फेस किए बगैर ही अगर वो डायरेक्टली पहुंच जाए हाई कोर्ट में फॉर क्वाशमेंट ऑफ FIR अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें उसके कितने चांसेस हैं कि उनकी वो FIR ख़त्म हो जाए। तो इसी के हवाले से एक जजमेंट है बड़ा इम्पोर्टेंट, 2005 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 1786। इसमें हुआ ये था कि एक शख्स के खिलाफ FIR कटी तो वो शख्स ना ही IO के सामने पेश हुआ फॉर इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, ना ही वो कोर्ट में ट्रायल में पेश हुआ और ड्यू टू हिज एब्सेंस कोर्ट डिक्लेयर्ड हिम एब्सकॉन्डर, मफरूर करार दिया कोर्ट ने उसको। उसके बाद जब उसको लगा कि अब केस उसके खिलाफ हतमी नतीजे की तरफ जा रहा है तो ही अप्रोच द हाई कोर्ट विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी उसने CP पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट में फॉर क्वाशमेंट ऑफ द FIR। हाई कोर्ट ने उनकी ये पिटीशन डिसमिस कर दी इन्हीं दो तीन ग्राउंड्स के ऊपर कि पिटीशन उस वक्त मेंटेनेबल होती है जब कोई दूसरी रेमेडी अवेलेबल ना हो, जबकि इस केस में पिटीशन के पास यानी जिसके खिलाफ FIR कटी है उसके पास रेमेडी अवेलेबल है। ऑल्टरनेट रेमेडी ये कि ट्रायल कोर्ट में जाके अपना ट्रायल फेस करे और उस ट्रायल को झूठा साबित करके बाइज़त बरी हो सकता है, और या उसको लगता है कि वो बिल्कुल ही उसने कुछ नहीं किया और वो बाइज़त बरी हो सकता है बड़ी आसानी से, उसके पास गवाह मौजूद हैं उस और केस में कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है, ऐसी जान नहीं है। तो CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर सेक्शन है 249A यही होता है कि आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं कि मुझे बाइज़त बरी किया जाए, ये झूठा मुकदमा है, तो ये भी रेमेडी अवेलेबल है। ट्रायल को ज्वाइन करने की रेमेडी अवेलेबल है। ऑन द कॉन्ट्रेरी पिटिशनर कभी ट्रायल कोर्ट में गया ही नहीं, ट्रायल कोर्ट ने उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है, तो हाउ कैन हाई कोर्ट गिव हिम रिलीफ इन सच सर्कमस्टांसिस। तो इनकी पिटीशन डिसमिस की गई और उनको ये जो अदर रेमेडीज़ अवेलेबल हैं उन रेमेडीज़ का फ़ायदा उठाने का कहा गया, जिसमें एक सेक्शन 249A है, या फिर ट्रायल फेस करे एविडेंस पेश करके और प्रोसिक्यूशन केस झूठा साबित करके वो उसमें बरी हो जाए। थैंक यू।